आज के इस वीडियो में देखेंगे कि CSS में फिल्टर्स क्या होती हैं। CSS में एक फिल्टर नाम की प्रॉपर्टी होती है, जिससे कि आप लोग ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, इन्वर्ट कर सकते हो एक इमेज को, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इस फिल्टर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। आप लोग बस इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में सिग्मा बैच ओपी जरूर लिख देना। हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। ऑलराइट गाइस, सो ये है एक स्पेशल वीडियो, क्योंकि ये है वीडियो 50 और हाफ सेंचुरी हम लोगों ने लगा दी है इस कोर्स में। तो नीचे सब लोग सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन तो लिख दो, क्योंकि यार आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशन लिखोगे दिल से अच्छा लगेगा। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा इस कोर्स में। जब स्टार्ट किया था इस कोर्स को तो एक ही चीज़ दिल में थी यार, जो सोचा है वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और चीज़ें बेहतर काम कर रही है। और इसी एनर्जी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और यहाँ पर एक index.html बनाऊंगा। आज का टॉपिक है CSS फिल्टर्स। ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से CSS फिल्टर्स एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। येस, यू हर्ड दैट राइट, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इनबिल्ट चीज़ है। तो अगर मैं कहूँ CSS फिल्टर्स MDN, आप लोगों को MDN पे लेकर आऊँ, या उससे भी पहले मैं काम करता हूँ, इमेज ले लेता हूँ, एक कोई सी भी इमेज। हम लोग यहाँ पर ये इमेज ले लेते हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हो इस इमेज को, बट मैं तो यार यहाँ पर सिंपली dev.container लिखूँगा और इस कंटेनर के अंदर ये इमेज डाल दूंगा। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल वी करके पेस्ट करूँगा और नो सरप्राइजेज यार कि यहाँ पर ये इमेज जो है आ जाएगी। तो मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँ तो इमेज आ जाएगी, कोई बड़ी चीज़ मैंने करी नहीं है अभी तक। लेकिन अब मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि इसी इमेज को किस तरह से मैं अलग अलग चीज़ें करके चेंज कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसमें कहूँ कि भाई जो मेरी इमेज है, मैं यहाँ पर स्टाइल लिखूँगा, मैं यहाँ पर IMG लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा फिल्टर, और फिल्टर में मैं यहाँ पर लगा दूँगा ब्लर, और मैं कह दूँगा से 10 pixels। तो अगर मैं यहाँ पर ब्लर 10 pixels लगाऊँगा तो ये देखो इसमें एक ब्लर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और मैं इस वैल्यू को कम भी कर सकता हूं। तो अगर मैं इस वैल्यू को कम करूंगा तो ब्लरीनेस जो है इसकी कम हो जाएगी। तो इस तरह से फिल्टर जो है लगाया जा सकता है CSS के अंदर। तो जो ब्लर फिल्टर है वो कुछ इस तरह से काम करता है, आप जितनी ज़्यादा वैल्यू रखोगे उतना ज़्यादा ब्लर होगा। अब MDN के पेज पर अगर मैं आ जाऊँ तो बहुत सारे मुझे फिल्टर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि मुझे ब्लर देखने को मिलेगा, मुझे कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा। कॉन्ट्रास्ट को मैं बढ़ा सकता हूँ, ब्राइटनेस को मैं बढ़ा सकता हूँ, बहुत सारे काम मैं कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए मैं एक काम करूँगा, मान लो मैं SRK की इमेज को लूँगा, क्योंकि मुझे एक इंसान की इमेज चाहिए। तो लेट्स टेक SRK's इमेज, और यहाँ पर मैं कौन सी इमेज लूँ यार, कोई सी भी इमेज ले सकता हूँ मैं। एक मैं यहाँ पर SRK की इमेज ले लेता हूँ, और मैं इसको ओपन इमेज न्यू टैप करूँगा और ये ले लूँगा, और एक और इमेज मैं ले लूँगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, IMGA करके SRK की इमेज ले लेता हूँ, और उसी के साथ साथ मैं एक अक्षय कुमार की इमेज ले लेता हूँ। तो मान लो मैं ये वाली इमेज ले रहा हूँ, उप्स, मैं एक्चुअली इसको इसका जो पेज है इस पर जाऊँगा, यहीं से उठा लूँगा इमेज, ओपन इमेज न्यू टैब, और इनका ये जो इमेज का लिंक है उसी को यूज़ कर लूँगा, IMG लिखूँगा, और यहाँ पर मैं कुछ ऐसा कर दूंगा। और मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा कि इन इमेजेस को एक एक ID दे दूँगा, ठीक है, यहाँ पर क्लास दे दूँगा, और IMG1 दे दूँगा एक को, एक को IMG2 दे दूँगा, एक को IMG3 दे दूँगा, ठीक है। तो IMG1, IMG2, IMG3, और यहाँ पर .img1 करूँगा, और मतलब IMG1, IMG2 और IMG3 में अलग अलग मैं यहाँ पर डाल दूँगा जो भी मुझे डालना होगा, ठीक है। तो मैं बेसिकली यहाँ पर फिल्टर से डालूँगा। तो IMG1 में मान लो मैं फ़िल्टर डालता हूँ, फिल्टर में डालूँगा, मान लो मैं ब्राइटनेस को करना चाहता हूँ 122%, ठीक है, और ये देखना एकदम ब्राइट हो जाएगी इमेज। तो मैं अगर आप लोग को अभी दिखाऊँ तो ये देखो यहाँ पर जो ब्राइटनेस है, इनफैक्ट मैंने इमेज वाला जो ये फिल्टर है ये मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ब्लर नहीं करना चाहता हर इमेज को, क्योंकि मैं यहाँ पर IMG को टारगेट कर रहा हूँ, तो ये ब्लर हो रहा है। तो आप लोग देखो यहाँ पर कि मैंने ब्राइटनेस को बढ़ा रखा है यहाँ पर, और अगर मान लो मैं इस इमेज पर आऊँ और मैं यहाँ पर इस वैल्यू को बढ़ाऊँ, तो आप देखो कि ये चेंज होगी इमेज मेरी। अभी जो फिल्टर ब्राइटनेस मैंने किया है वो इस इमेज पर किया है, तो आप यहाँ पर देखना जब मैं इस वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, तो ये देखो मैं बढ़ाऊँगा तो ये ब्राइट होती जा रही है, और मैं इसको और ब्राइट कर सकता हूँ, और ब्राइट कर सकता हूँ, देखो और ब्राइट मैंने इसको कर दिया। तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक और फिल्टर लगा सकते हैं स्पेस देकर। तो जिस तरह से हम लोगों ने देखा था एनिमेशंस मल्टीपल लगाते हैं, ट्रांसफॉर्म्स मल्टीपल लगाते हैं स्पेस देकर, इवन क्लासेस भी जब हम HTML में मल्टीपल लगाते हैं तो हम स्पेस देकर लगाते हैं, यहाँ पर भी हम लोग कॉन्ट्रास्ट मान लो कुछ इस तरह से लगा सकते हैं। और मैं कॉन्ट्रास्ट को अगर बढ़ाना चाहता हूँ तो 0 से 1 तक की मैं वैल्यू दे सकता हूँ, और मैं उससे भी बड़ी वैल्यू दे सकता हूँ अगर मुझे कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है। तो मैं यहाँ पर 200% भी कर सकता हूँ, कॉन्ट्रास्ट को परसेंट में भी सकता हूं, और मैं इसके कॉन्ट्रास्ट को जो है एडजस्ट कर सकता हूं। देखो मैंने कॉन्ट्रास्ट अगर कम किया तो इसका कॉन्ट्रास्ट जो है वो कम हो जा रहा है, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को आप जो है
यहाँ पर चेंज कर सकते हो। फिर इसके बाद हम एक ग्रे स्केल फिल्टर लगा सकते हैं जो कि एक इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर देता है, जो कि मैं मान लो यहाँ अक्की भाई की इमेज पर लगाऊंगा। तो मैं अगर यहाँ पर फिल्टर में लिखूँ फिल्टर और मैं यहाँ पर लिखूँ ग्रे स्केल और मैं कह दूँ मान लो 20%, तो ये 20% ग्रे स्केल हो जाएगी इमेज, यानी कि 20% ये ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मैं ग्रे स्केल फिल्टर में कह दूँ भाई 100% ही कर दो इसको ग्रे स्केल, तो ये इमेज ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि वैल्यू जैसे इसकी 100 पहुंचेगी, ये 100% ब्लैक एंड वाइट इमेज बन जाएगी। फिर इसके बाद एक सीपिया फिल्टर होता है, तो अगर मैं यहाँ पर सेपिया फिल्टर लगाऊं, मान लो मैं कह दूं सेपिया, तो ये थोड़ी इस तरह की हो जाएगी। आपने इस तरह की इमेजेस देखी होंगी, पुरानी जो इमेजेस होती थी कुछ कैमराज इस तरह की इमेजेस जनरेट करते थे, तो सेपिया फिल्टर लगाने से इमेजेस ऐसी हो जाती हैं। फिर इसके बाद एक और होता है ह्यू रोटेट, फिर होता है ड्रॉप शैडो जो कि शैडो को ड्रॉप कर देता है। फिर ह्यू रोटेट से क्या होता है कि ह्यू की वैल्यू चेंज हो जाती है, और ड्रॉप शैडो करने से एक शैडो ड्रॉप हो जाती है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ये मेन फिल्टर्स होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर है इन्वर्ट फिल्टर जो कि एक इमेज को इन्वर्ट कर देता है। तो अगर मैं इस इमेज पर आऊँ और मैं कह दूँ फिल्टर इन्वर्ट और यहाँ पर वन कर दूँ, तो ये इमेज इन्वर्ट हो जाएगी, इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी, सारे कलर्स इन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये नेगेटिव इमेज में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने अगर देखी हो पुराने ज़माने की इमेजेस तो उसमें इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती थी, ठीक है। और अगर मैं इस वैल्यू को कम कर दूँ, जैसे मैं 0.1 कर दूँ या फिर मान लो मैं 0.61 कर दूँ, तो ये एक हद तक इन्वर्ट होगी, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा बहुत इन्वर्ट कर सकते हैं। ओपेसिटी का फिल्टर लगाया जा सकता है, तो ओपेसिटी का जो फिल्टर होता है वो ओपेसिटी को कम कर देता है। तो अगर मैं कह दूँ ओपेसिटी यानी कि ये इमेज कितनी ट्रांसपेरेंट है, तो मैं कहूँ ओपेसिटी अगर देखो 0 होगी तो इमेज गायब हो जाएगी, 1 होगी अगर इमेज तो ये पूरी दिखेगी, 0 में ट्रांसपेरेंट हो जाएगी एकदम, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं वैल्यू बढ़ाऊँगा 0. मान लो मैं कहता हूँ 0.1 और मैं जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाऊँगा 0.1 से मान लो मैं इसको 0.2 करता हूँ, फिर 0.3 करता हूँ, ये इमेज उतनी गाढ़ी होती जाएगी। और अगर इसके नीचे कुछ और है तो वो भी दिखेगा अगर ओपेसिटी कम है तो। तो अगर आप लोग ग्रिड का इस्तेमाल करके ओवरलैप करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ केसेस ऑफ ग्रिड जो होता है वो होता है कि आप ग्रिड करके डिस्प्ले को ग्रिड करके एक ही सेल में सारी चीज़ों को लाकर एक के ऊपर एक स्टैक कर सकते हैं आइटम्स को। ये मैंने आप लोगों को बताया था ग्रिड वाले वीडियो में। तो अगर उस तरह का कुछ करना चाहते हो ना तो ओपेसिटी का यूज़ कर सकते हो ताकि पीछे वाली चीज़ भी दिखे, ठीक है। बाकी यहाँ पर इनको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। एडवांस्ड मैं कहूँगा ये कॉन्सेप्ट है CSS का, यूज़ करना आसान है इसको, लेकिन इसका यूजेज एडवांस्ड है थोड़ा सा, ठीक है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा फिल्टर्स का यूज़ करते हुए नहीं पाता हूँ, मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ इन मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पर क्लाइंट कह देता है कि यार ये इमेज मुझे ऐसी चाहिए, ये इमेज ऐसी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि यार आपको फोटोशॉप में ना जाना पड़े या किसी भी तरह के एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ना जाना पड़े, तो यार बिल्ट इन कर दिया आप CSS के अंदर, और रेंडरिंग भी इसकी बहुत बढ़िया होती है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। गॉसियन ब्लर लगाना है तो ब्लर यूज़ कर लो, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ड्रॉप शेडो, ग्रे स्केल, ह्यू रोटेट, इन्वर्ट, ओपेसिटी, सैचुरेट, सेपिया, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिए, और इनमें से कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब मल्टीपल फिल्टर्स लगाने के लिए आप लोग स्पेस दे सकते हो, और स्पेस देकर आप फिल्टर्स को कंबाइन कर सकते हो। सो दैट वॉज ऑल अबाउट फिल्टर्स, और इससे ज़्यादा फिल्टर्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। इंस्टाग्राम वगैरह पर फिल्टर जैसे लगाते हो, आप CSS से भी फिल्टर्स लगा सकते हो। तो जो किड्स होते हैं वो मोबाइल का फिल्टर यूज़ करते हैं, जो मेन होते हैं, जो मीम होती है ना, किड्स यूज़ मोबाइल का फिल्टर, मेन यूज़ इंस्टाग्राम का फिल्टर्स, और लेजेंड यूज़ CSS का फिल्टर। भाई हम CSS से लगाते हैं फिल्टर अपनी इमेज, तो अब से आप लोग CSS से फिल्टर लगाना और फिर स्क्रीनशॉट लेके करना अपलोड इंस्टाग्राम पे, और फिर लिखना कमेंट में भाई मैंने तो CSS से करा है, मैं तो अल्ट्रा लेजेंड हूँ, ठीक है। तो इस तरह के काम आप लोग कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया, और इस तरह के मज़े को और पाने के लिए इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। और मैं कोशिश मेरी यही रही कि मैं आपकी आत्मा को इसी प्रकार से तृप्त करता रहूं। यहाँ क्लिक करके करें बुकमार्क, यहाँ क्लिक करके करें इसको सेव। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।